नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शर्मा है। एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स ज्ञान में स्वागत है। आज इस समय कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछे जाएं। हर क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन रीजनिंग में कैलेंडर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप हर हालत में उसका आंसर विद इन 30 सेकेंड निकाल लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, जिसमें हमको डेट दे करके फिर कोई डे पूछा जाता है, डेट का दिन बताना। दूसरा है हमारे पास, इसमें दिया जाता है कि आपको कोई डेट का दिन बताया जाएगा और फिर अगली डेट का दिन बताना होगा। दी गई डेट का दिन यदि पता है तो अगली डेट का दिन ज्ञात करना। ये दोनों ट्रिक्स बहुत ही आसान हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि अगर कोई डेट दी जाए तो उसका दिन कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग एक रूल इस्तेमाल करेंगे, जेलर्स रूल। जेलर्स रूल के को यूज करके हम किसी भी डेट का दिन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये जेलर रूल है क्या। सबसे पहले यह जेलर फार्मूला F इज इक्वल टू के प्लस ब्रैकेट में 13m माइनस 1 अपॉन 5 प्लस डी प्लस डी अपॉन 4 प्लस सी अपॉन 4 और माइनस 2c। ये जेलर का फार्मूला। के का मतलब है जो भी डेट हमें पता करनी है वो डेट। एम का मतलब है मंथ, डी का मतलब है ईयर और सी का मतलब है शताब्दी या सेंचुरी, कि कौन सी सेंचुरी हम यूज कर रहे हैं। इन कंडीशंस को यूज करने से सबसे खास चीज इसमें यही है कि हमको कोई भी डेट या कोई भी कंडीशन, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, बताया जाता है कि डेट के लिए ये याद कर लीजिए, महीने के लिए ये याद कर लीजिए, दिन के लिए ये याद कर लीजिए। इस फार्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक महीने में आप लोगों ने हमें 50,000 प्लस सब्सक्राइबर की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 ये डेट मैंने इसलिए ली ताकि आप ये चेक कर पाएं कि जो भी निकाला गया आंसर है वो सही है या गलत। फार्मूला आपको पता ही है, F इज इक्वल टू के प्लस 13m माइनस 1 अपॉन 5 प्लस डी अपॉन 4 प्लस सी अपॉन 4 और माइनस 2c। तो चलिए अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। ये k जो हमारा है ये डेट होती है, तो ये हो गया 15,
यम जो हमारा है ये मंथ होता है, लेकिन मंथ के लिए हमने आपसे बताया था कि मार्च से शुरू होता है। तो जब मार्च हमारा फर्स्ट मंथ होगा तो मार्च अप्रैल फर्स्ट मंथ से नहीं शुरू करेंगे, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, यानी कि अगस्त जो हमारा है वो सिक्स मंथ हो गया मार्च से शुरू करके। फिर आता है डी। डी का मीन्स होता है ईयर, तो ईयर हमारा 47 है, तो डी इज इक्वल टू हो गया 47। फिर आता है सी, और सी है सेंचुरी, और सेंचुरी इसमें है 19। तो ये हमारी डिजिट्स हो गई। अब इन डिजिट्स को हम इस फार्मूले में रख करके एफ पता करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू ये हो गया 15 प्लस 13 इंटू 6 माइनस 1 अपान 5 प्लस 47 प्लस 47 अपान 4 प्लस 19 अपान 4 माइनस 2 इंटू 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 6 जा 78, 78 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 77, और 77 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमको चूंकि पूर्णांक ही लेना है तो हम 15 ही लेंगे इसमें से। प्लस 47 प्लस 47 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें केवल इंटीजर ही लेना होता है तो 11 ही लेंगे हम। 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें केवल इंटीजर लेना होता है तो हम 4 लेंगे, और लास्ट में 19 टू जा 38। अब हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करके 37 इसमें से माइनस कर देना है तो ये बचेगा 54। अब इसमें से हमको डे निकालना है, तो डे के लिए हमारा वर्किंग क्या है कि इस 54 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे ये हमें आंसर मिलेगा 7 होल 5 अपान 7, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर बचा वो बचा 5, और यही 5 हमें डिफाइन करेगा कि डेट कौन सी, डे कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट डे सोमवार होता है, तो जब फर्स्ट डे सोमवार तो सेकेंड मंगलवार, थर्ड बुधवार, फोर्थ गुरुवार, और फिफ्थ डे हो गया शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार दिन था। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और ये लिखने में टाइम लगेगा, तो दोस्तों जब आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा, ये पता हो जाएगा कि इसमें से कौन सा है, तो आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी होगी, और ये लाइन लिख करके दूसरी लाइन में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और थर्ड लाइन में आंसर हो जाएगा। हमारा मानना ये है कि क्वेश्चन गलत हो जाने से अच्छा है, अगर एक मिनट भी खर्च हो जाए तो जीरो मिलने से तो अच्छा ही है। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। दूसरी डेट हम ले रहे हैं 26 जनवरी 1915। अब हम यहां फार्मूला ना लिख करके डायरेक्ट करेंगे, तो भाई इसमें के की वैल्यू हो गई हमारे पास 26, मंथ की वैल्यू है जनवरी, लेकिन चूंकि मार्च से शुरू होता है तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी जनवरी आया 11th नंबर पे। मंथ के बाद हमें लेना है ईयर। मैंने आपसे बताया था कि जनवरी में प्रीवियस ईयर होगा, तो 50 का प्रीवियस हो गया 49। मंथ के बाद सेंचुरी, और सेंचुरी है हमारे पास 19। अब इन सबको हम जेलर्स फार्मूले में रखेंगे तो ये हमको मिलेगा 26 प्लस 13 इंटू 11 माइनस 1 अपान 5 प्लस 49 प्लस 49 अपान 4 प्लस 19 अपान 4 और माइनस 2 इंटू 19। सॉल्व करेंगे इसको तो 26 13 से 11 इंटू करके 1 माइनस करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाने के बाद 28 49, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हटाने के बाद 12,
19 को 4 से डिवाइड करेंगे डेसिमल आने के बाद 4 और माइनस 19 टू जा 32। जब इन सबको ऐड करके 38 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 81, और 81 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 11 होल 4 अपॉन 7। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 4। तो जो डे हम लिखेंगे वो डे फिर से वही सोमवार पहला दिन होता है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो था गुरुवार। तो देखा दोस्तों, किसी भी डेट का डे हम इस फार्मूले को यूज करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कि हमको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 25 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? अब हमको ये पता करना है कि 1 जनवरी को रविवार था तो 25 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। इन क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही आसान सा मेथड है, कोई मेथड में कह करके आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। क्या भाई, जनवरी से जून तक दिन निकालना है, आप लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब भाई 1 जनवरी को दिन लेना है और जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 31 में से 1 माइनस कर देंगे तो जनवरी के लिए बचा 30। 2017 में फरवरी 28 डे की थी, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन और जून में 30 दिन, बट 25 जून को ही लेना है तो 25। अब हमें क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है। ऐड करना बहुत आसान होता है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब हम क्या करेंगे, इस 180 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 25 होल 5 अपॉन 7, यानी रिमाइंडर हो गया 7। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है कि जो दिन हमें दिया जाता है वो प्रथम दिन माना जाता है, सॉरी वो जीरो डे माना जाता है, उसके बाद का जो अगला दिन होगा वो प्रथम दिन होगा। तो रविवार जीरो हो गया तो प्रथम दिन हमारा आया सोमवार, तो सोमवार से फिफ्थ डे कौन सा होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 25 जून 2017 को शुक्रवार था। आप चाहे तो कैलेंडर से चेक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो आपसे पूछ लिया गया 21 जून 2016 का दिन बताओ। तरीका दोस्तों सेम वही है, जनवरी से जून तक जाना है, आप लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब इसमें 5 जनवरी को लेना है, जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 31 में 5 घटा देंगे 26। फरवरी 2016 में 29 दिन की थी, लीप ईयर था, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और 21 जून को लेना है तो जून के 21 दिन। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 168। अब हम क्या करेंगे कि इस 168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमें पूरा का पूरा 24 मिलेगा और शेष हमको मिलेगा 0, यानी कि कुछ बचेगा ही नहीं शेष फल में।
तो जब शून्य आता है तो शून्य जो होता है वो वही सेम डे होता है जिस डे से हमने शुरुआत की होती है। तो मंगलवार से शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये दिन हमारा मंगलवार पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने पता कर लिया कि किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन आता है और किसी दिए गए दिन के बाद अगर अगली तारीख में दिन पता करें तो कौन सा दिन आता है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नई वीडियो के साथ हम आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।